नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा, मेरे पास एक सेट आया है जियो ऐप 320 का सेट है। दोस्तों देखना है, ये जियो ऐप 320 का सेट है और दोस्तों इसमें यही प्रॉब्लम है, जियो हैंग लॉगो आ रहा है। दोस्तों ये हैंग लॉगो बिल्कुल भी नहीं हट रहा है। दोस्तों आपको यही वीडियो में सोल्यूशन करके दिखाऊंगा और इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे। दोस्तों इसमें माइक से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दोस्तों हार्ड रीसेट करके देख लेना है पहले स्टेप। अगर आपका पहले स्टेप से नहीं होता है तो आप डायरेक्टली माइक चेंज नहीं करना है दोस्तों, आपको एक झंपड़ करना है। वो आप झंपड़ कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और दोस्तों मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं सेट को अभी खोल के दिखाता हूँ। ये जियो ऐप 320 का सेट है और ये हैंग लॉगो पे अटका हुआ है। देखना, ये हैंग लॉगो पे अटका हुआ है और ये देखना अंदर से देखते हैं, जियो ऐप 320 का सेट है। और इसके दोस्तों हम स्क्रू खोल लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। जो भी है दोस्तों, इसका माइक चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ इसमें प्रॉब्लम है, उसका माइक हम चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने पेज खोल लेना है, उसके बाद हम बॉडी से इसे बाहर निकाल लेते हैं। देखना दोस्तों, मैंने इसे बॉडी से बाहर निकाल लिया है। ये देखना, बॉडी से बाहर निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखना है, इसका माइक का सर्कुलेशन देखते हैं। ये सर्किट है, यहाँ पे देखना सर्किट के पास में कोई कार्बन वगैरह तो नहीं है, माइक हमारा ठीक है या नहीं। देखना दोस्तों, मेरा एक रेजिस्टेंस टूटा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है, यहाँ पे देखना ये रेजिस्टेंस मेरी टूट गई है। यहाँ पे दोस्तों कार्बन आने की वजह से ये रेजिस्टेंस टूट गई है। यहाँ पे एक इस तरह की ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस लगी होती है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आपको एक जम्पर करना है, वो कहाँ से कहाँ के लिए करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलिए सीधा हम एक जम्पर वायर लेते हैं। ये देखना, आपको एक झंपड़ वायर ले लेना है और मैं दोस्तों आपको एक झंपड़ करके बताता हूँ, वो झंपड़ आपको कैसे कहाँ से करना है और जो आपकी दोस्तों हैंग लॉग की प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम दोस्तों एक झंपड़ लगाते हैं। देखना दोस्तों, मैंने इसका झंपड़ लगा दिया है। आप लोग को देखना दोस्तों, यहाँ पे झंपड़ लगाना है, यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहे हैं कैपेसिटर से नीचे। एक दोस्तों ये वाला ग्राउंड का पॉइंट है और ये दोस्तों पॉजिटिव का पॉइंट है, जो माइनस का, ये वाला माइनस का, ये वाला पॉजिटिव वाला। दोस्तों ये वाला ग्राउंड का है, ये पॉजिटिव का है और यहाँ से सीधा लाइन आती है दोस्तों, यहाँ रही यहाँ के लिए माइक के लिए। और यहाँ पे दोस्तों एक कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर के ऊपर वाले सिरे पे आपको एक झंपड़ कर देना है। मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखना दोस्तों माइक लगा हुआ, माइक के ऊपर आपको झंपड़ कर देना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे झंपड़ करने के बाद दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों आपको झंपड़ करते टाइम आपको देख लेना है, हमारा कोई पॉइंट शॉर्ट तो नहीं हो रहा है दोस्तों। ये दोस्तों अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है हमारी यहाँ से यहाँ के लिए, तो जो हमारी हैंग लॉग की प्रॉब्लम इसमें साइड में आने लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हम ऑन करके देखते हैं, जो हमारी हैंग लॉग की प्रॉब्लम है वो हमारी अब भी आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों आपका हैंग लॉग का प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों आपको सीधा इस पॉइंट से, यहाँ से जो दो बिंदी दिख रही हैं, यहाँ से एक बिंदी से, यहाँ से लेके आपको इस कैपेसिटर के आगे वाले सिरे पे आपको झंपड़ कर देना है, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं इससे बैटरी डालता हूँ और देखते हैं सेट को हम ऑन करके हमारा सेट ऑन होता है या नहीं होता है, हैंग लॉग पे अटक जाता है या नहीं अटकता है। तो चलिए सेट मेरा ऑन हो रहा है अभी, देखते हैं हमारा सेट कितनी देर में ऑन होता है और हैंग लॉगो आता है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, थोड़ा लेट ऑन होता है दोस्तों, ये 2 मिनट तो ले ही लेता है मिनिमम सेट ऑन होने में। तो चलिए देखते हैं कितना समय लेता है ये। और दोस्तों आप लोग को माइक चेंज बिल्कुल नहीं करना है, कुछ लोग डायरेक्टली माइक चेंज कर देते हैं, माइक लगाते हैं फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। दोस्तों इसी कारण नहीं होती है कि आप जो लाइन ब्रेक हो जाती है उसको चेक नहीं करते हैं, डायरेक्टली माइक चेंज कर देते हैं, उससे आपका काम और ज़्यादा खराब हो जाता है। दोस्तों आपको माइक चेंज नहीं करना है, आप पुराना वाला माइक उसमें लगा रहने दीजिए और आपको एक लाइन देखना,
हमारा सेट देखना दोस्तों ऑन हो चुका है और जो माइक की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। अब दोस्तों इसका माइक चेक करा के दिखाता हूँ, माइक हमारा वर्किंग करता है या नहीं। दोस्तों हैंग लॉगो था, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम आते इसकी रिकॉर्डिंग मोड में आ जाते हैं कैमरे के ऑप्शन में, और इसे हम रिकॉर्डिंग करके देखते हैं हमारा माइक वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। वीडियो पे सिलेक्ट करेंगे कैमरे को और बीच वाले को ओके करेंगे, रिकॉर्डिंग मोड में स्टार्ट कर लेंगे। अभी मेरी इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। हेलो 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 हेलो, माइक स्पीकिंग, हेलो हेलो। दोस्तों मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखना व्यूज देखते हैं, हम इसे चला के देखेंगे। पहले इसकी आवाज़ हम फुल कर लेते हैं, और दोस्तों मेरा एक माइक है ये इसके नीचे रख देता हूँ जो कि आपको सुनाई दे जाए। ये वाला मेरा माइक है, इसे नीचे रख देता हूँ और इसे हम चलाते हैं। देखने दोस्तों मेरी जो प्रॉब्लम थी माइक की वो 100% सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों आपको भी यही स्टेप फॉलो करना है, आपको माइक चेंज नहीं करना है। और दोस्तों आपको ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।